जैसा कांग्रेस वाले जैसा माइनॉरिटी के लिए मुसलमानों के लिए सिर्फ बात करती है सत्तर साल में डेवलपमेंट करते बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किए उसी तरह बीजेपी वाले भी हिंदुओं का बात करते लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते बड़े बड़े, बड़े लीडर नाम के लिए बड़े बड़े, बड़े लीडर हैं उनके पास पैसे होंगे बट मैं बोलता हूँ वो लीडर्स नहीं है ये रोड उद्घाटन उद्घाटन करने में बिजी है सब लोग लेकिन उद्घाटन करने के बाद आप एक साल पहले कौन से भी रोड वोट उठा के दीजिए आज वो रोड का हालात सत्यानाश हो चुका तहसील ऑफिस में लोग बेचारे पैसे के बिना उनका काम ही नहीं हो रहे नगर सभा रहने दो कि दे, कि दे भी रोड का करप्शन रहने हर जगह पुलिस हर पकड़ रही है उसके खिलाफ कोई ली, लीडर लीडर क्यों है अपोजिशन बोलता अपोज करना करके ये करने का नहीं है कुछ लोग तो विधवा पेंशन पर जीवित है उनको नहीं आ रहा होना बोल के कट हो रहा है जो सत्तर साल जो व्यक्ति था एक बहुत बुरा था बेचारा उनको खुद भी कुछ भी ना था उनका पेंशन कट हुआ आपके सपने हमारे अपने This video is sponsored by High Tech Function Hall, opposite High Tech City, Gore Road, Basokalya. हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डेक एंड और एफ एम गाइड पर जिस तरह से आप जानते हैं कि हम बसुकल्याण के एक सियासी सफ़र में हैं और आज हमारे इस सफ़र के साथ आज जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं वो है दीपक मलगर साहब जो आम आदमी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही में बसु कल्याण से आने वाले दो के विधानसभा चुनाव में हिस्सा भी लेने वाले हैं तो आइए आज इनसे इनके ख्याल जानने की कोशिश करेंगे और करंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पर इनकी कैसी नज़र है उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो सर मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और इसी सवाल से शुरुआत करूँगा कि हाल ही में आपने एक पद यात्रा भी की थी वो यात्रा कैसी रही और उसमें अवाम का फीडबैक आपको कैसा मिला पहली बार तो आपको नमस्कार जो हमने 11 दिन का पदयात्रा निकाला था 11 दिन का पदयात्रा में 26 नवंबर को जो डॉक्टर साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिवस ये के स्थापना दिन था उस दिन से हम स्टार्ट किया था और 6 दिसंबर जिस दिन उनका पुण्यतिथि था तो ये ग्यारह दिनों में हमने पूरे चालीस गाँव को चलते जाके के पहला हम बसों कल्याण के, के अम्बेडकर सर्कल से शुरू करते हुए मूज तक गए तो उसके बाद हुलसूर होते हुए इधर हमारे मिरकल फिर इधर प्रतापपुर से लेके हुए मंडा लाडवंती कोइनूर भोसगा इधर मुड़बी और हरकूट यहाँ जाते हुए सस्तापुर मार्ग से टोटल ये यात्रा 200 किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर स्टेट से 200 किलोमीटर उससे ज़्यादा भी हुआ तो इस यात्रा का मकसद यह था कि लोगों में जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है देश के अंदर उसको बोलने का उद्देश्य था और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने जो पिछले आठ सालों में जो गरीबों के लिए विशेष करके जो पिछले गरीब जो लोग रहते उनके लिए जो काम किए और वो काम करने के बाद उस उनके जीवन में जो बदलाव आए वो बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को ये बोलने की कोशिश किया कि एक ईमानदार सरकार एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति अगर आप चुनते हैं बिना किसी दारू से या फिर किना बिना किसी जो करप्शन से जो आजकल चल रहा है तो अगर अच्छे इंसान को आप चुनते हो तो आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए इसका एक मद्देनज़र हमको ये रखते हुए हमने बारह दिन का पदयात्रा हमने सॉरी ग्यारह दिन का पदयात्रा हम रखा था और पदयात्रा मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग हमको लगा था कि हम ये सक्सेस होता नहीं होता लेकिन जिस दिन पदयात्रा सक्सेस हुआ मेरे को और हमारी टीम को पूरा एक सुकून चैन की नींद सोएगी क्योंकि बोल तो हम पदयात्रा के अंदर लोगों का इतना समस्या हमने देखा बहुत लोग परेशान है खेड़े गाँव में हमको दिखते ऊपर सब लोग खुश है लेकिन लेकिन हम पदयात्रा के मद्देनज़र उनको रात उनके साथ बिताए उधर मोहल्ला में बातचीत किए एकदम विस्तार से बातचीत हुआ हमारा तो लोगों को पेंशन जो है वो नहीं हारा गरीब लोग जो है वो कुछ लोग तो विधवा पेंशन पर जीवित है उनको नहीं हारा होना बोल के कट हो रहा है जो सत्तर साल जो व्यक्ति था एक बहुत बुरा था बेचारा उनको खुद भी कुछ भी ना था उनका पेंशन कट हुआ तो ऐसा लोग है उनको पेंशन का मार झेल रहे फिर लोग को कुछ भी वहाँ पे बेरोज बेरोजगार नहीं है ऊपर से किसान लोग बसों कल्याण के अंदर इस बार बारिश बहुत हुआ और उससे किसान भी बहुत दुखी है हर खेत में सिर्फ अगर चार लोग अपना अप्लीकेशन डाले तो एक को आए वो भी दो या तीन हज़ार रुपये तो ये बहुत सारे समस्या हमको मालूम हुआ हम एक उसका फाइल बना रहे हैं और सरकार को ऑलरेडी सबमिट कर रहे हैं इसके बारे में जी दो के असम्बली चुनाव में आ, क्या प्लान्स रहेंगे आम आदमी पार्टी के और क्या आ, दिल्ली पंजाब के बाद कर्नाटका हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत का ज़रिया जी बिल्कुल अभी हम जब पंजाब रिज़ल्ट हमारा आने के बाद हमारा विस्तार पार्टी का एकदम विस्तार चालू हुआ और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं गुजरात गुजरात के अंदर आप अगर डिटेल में अगर गए ऊपर से दिखता हमको पाँच सीट लेकिन एक नया पार्टी सिर्फ वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आज तक सत्तर साल में कौन सा पार्टी नहीं था तो ये पहला पार्टी है हमारे की पाँच सीट है बहुत बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात ये है हमको तेरह परसेंट वोट है तेरह परसेंट सौ में से तेरह लोग हमको चैन किया वहाँ पे तो इसका मतलब है शुरुआत गुजरात से हुआ है और मेरे को यकीन है कर्नाटक के अंदर हमारे कर्नाटक का बेंगलुरु टीम कर्नाटक बहुत ही स्ट्रांग है बहुत लोग बीजेपी जुड़ के मुख्यमंत्री चंद्र जो भास्कर राव के चार साल अभी ये था उनका ड्यूटी था आई वो छोड़ के आए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं कर्नाटक के अंदर और कर्नाटक में इस बार चमत्कार होने वाला है आ, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा बसवा कल्याण हो या फिर पूरे बिदर ज़िले में हो क्योंकि आप ही के आ, मेहनत से आप ही के सरगर्मियों की वजह से अभी फ़िलहाल मंजर आम पर है पार्टी तो कौन से कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है या फिर अगर आपको अवाम मौका देती है तो प्राथमिकता किन चीज़ों पर रहेगी देखिए हमारा कुछ नेशनल पॉलिसीज़ है जैसा ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एक तो हम इस देश के अंदर करप्शन मुक्त करना चाहते और करप्शन मुक्त और गरीबी मुक्त करप्शन मुक्त हम तभी कर सकते क्लियर एंड जो इलेक्शन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए दूसरी बात अगर हम चुन के आते चुन के आने वाले इस बार उतना हमको कॉन्फिडेंस है चुन के आने के बाद हमारा पहला प्रमुखता रहेगा शिक्षा के ऊपर जो कि गवर्नमेंट स्कूल हमारे पास बहुत थे लेकिन आज देख रहे प्राइवेट स्कूल का ये चल रहा है एजुकेशन बिजनेस रूप पर हर गांव में छोटे छोटे गांव में प्राइवेट स्कूल्स खोल रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट स्कूल का मतलब क्या है गवर्नमेंट स्कूल का टीचर एकदम इंटेलिजेंट टीचर रहता है मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स बहुत ही टॉप क्वालिटी के टीचर्स होते हैं एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करके उनको जॉब मिलता है हम उनके पास नहीं सीख रहे हम प्राइवेट स्कूल में जाके पूछ रहे मैं प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन ऑटो चलाने वाले बच्चे किसान के बच्चे भी यही सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में भेजूँ क्यों तो गवर्नमेंट के स्कूल में कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार के ऊपर भरोसा उनका चला गया वो सरकार जो भरोसा चला गया उसको दोबारा लाना ही आम आदमी पार्टी का, का काम है और मेरा काम है जो सरकारी स्कूल में आज बीस तीस बच्चे है उसको पाँच बच्चे करना वो मेरा प्रमुखता रहेगा इससे क्या होता है लोगों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शिक्षा भी अच्छा रहेगा और विशेष करके जो छोटे छोटे लोग हैं वो प्राइवेट में स्कूल में जो पैसा डाल वो पैसा उनको बचता है साल को अगर चार बच्चे को तो तीन बच्चों को अगर बचे तो एक लाख रुपये उनको ये साल को बचता है जी तो ये ये फर्स्ट उसके बाद हेल्थ हेल्थ में देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम अब नाम के लिए रहते लेकिन कुछ इलाज वहाँ पर होता से नहीं जब नाम के लिए डॉक्टर बैठते कुछ नाम के लिए यहाँ पे दवाई बाहर तो कहीं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फाइव भी यूटिलाइज हम नहीं करते तो उसका पूरा हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन जिस तरह से दिल्ली में कर रहे ये दो पर हम बहुत ही स्ट्रांगली और इस पर नो कॉम्प्रोमाइज और तीसरा और फर्स्ट रहेगा करप्शन करप्शन एजुकेशन एंड हेल्थ ये तीन मुद्दे पर हमारा स्ट्रॉन्ग ए रहेगा जी चलिए मैं अगला सवाल आप आपसे पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का कॉम्पिटिटर कौन है कर्नाटका में किस पार्टी से आपको लगता है कि आ, आपका कॉम्पिटिशन है पार्टी देखिए हर जगह अगर कॉम्पिटिटर यहाँ पे मेरे को लगता है

दोनों एक ही है कि वो तो दोनों का कंप्रोमाइज़ पॉलिसी है आप देखें बसों कल में बहुत समस्या है आज तक विरोध पार्टी मेरे को छोड़ के कोई भी कांग्रेस का लीडर हो या फिर दूसरे का लीडर एक को पर भी आवाज़ नहीं उठाए आज तक करप्शन का मुद्दा हो तहसील ऑफिस में लोग बेचारे का पैसे के बिना उनका काम ही नहीं हो रहे नगर सभा रहने दो किध किधर भी रूल का करप्शन रहने हर जगह पुलिस हर जगह पकड़ रही है उसके खिलाफ कोई लीडर क्यों है अपोजिशन लीडर बोलता अपोज करना कॉम्प्रोमाइज़ करके ये करने का नहीं है तो अपोजिशन का रोल कम्प्लीटली फेल हो चुका है अब मेरा वीडियो या फिर मेरा आ, मेरा आ, मेरे को आंखों में जो भी दिखता है मैं उसको मैं एक करता हूँ लेकिन बड़े बड़े लीडर नाम के लिए बड़े बड़े लीडर है उनके पास पैसे होंगे बट मैं बोलता हूँ वो लीडर्स नहीं है पॉलिटिकल लीडर्स उनके पैसे की वजह से बन रहे जैसा जो बच्चे कम परसेंटेज वाले को ज़्यादा डोनेशन दे के को, कॉलेज में मिलता है ना एडमिशन वैसे ही लीटर हमारे पास है जी आ। आ, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बसवा कल्याण में फ़िलहाल जो सत्ता पक्ष है उन्होंने जितना भी अपना टीनियर कम्प्लीट किया है तो उनके काम पर आपकी जो नज़र है या फिर आपका मैं फ़ीडबैक अगर पूछना चाहूँ उनके दौरे हुकूमत पर तो आपका क्या क्या फ़ीडबैक रहेगा क्या कितना करने में कामयाब रहे हैं या फिर कहाँ कुछ खामियाँ रहेंगी देखो मैं तो आपका फीडबैक अगर लेना पड़ता मतलब तो मैं जीरो मार्क्स देना पसंद करता हूँ क्यों बोले तो देखिए पहले एक ज़माने में काम होता था डेवलपिंग डेवलपिंग करने के लिए लेकिन आज काम हो रहा है परसेंटेज खाने के लिए काम दिख दिख रहा है लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क इधर है हम वो उद, रोड उद्घाटन कर रहे हैं ये रोड उद्घाटन उदगाट, उद्घाटन करने में बिजी है सब लोग लेकिन उद्घाटन करने के बाद आप एक साल पहले कौन से भी रोड वोट उठा के दीजिए आज वो रोड का हालात सत्यानाश हो चुका है करप्शन पूरा चालीस परसेंट पचास परसेंट करप्शन चल रहा है तो ऐसा काम करना तो कई को सरकार का पैसा वेस्ट करना सरकार पैसे नहीं हमारा जो मेहनत करके हम पेट्रोल डाल देते तो पचास रुपये टैक्स करते एक शराबी अगर अगर दारू पीता तो वो भी आधा आधा से ज़्यादा परसेंट उसका टैक्स में जाता है हम एक माच माच जो माचिस बॉक्स खरीदते हैं उसका भी हम टैक्स देते हैं हर इंसान टैक्स देते हैं हमारा मेहनत का पैसा है तो ये लोग लुटेरे लोग हमसे लूट रहे पहले अंग्रेजी लोग लूट रहे थे आज ये लोग हमसे लूट रहे तो ये बंद होना चाहिए और मैं ज़ीरो मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ ये लोग केवल और केवल जाति धर्म और पैसे के ऊपर जीतने वाले लोग हैं इनके ऊपर कोई भारत देश में क्या होने वाला है देश के लिए या फिर हमारे प्रांत के लिए कुछ भी सपना नहीं है टोटल मैं अधिकार में रहना मैं सत्ता में रहना और मैं राज करना ये पॉलिसी उनका है इसके सिवा देश का देशभक्ति या फिर देश के लिए कुछ कर मिटना या फिर हमारे देश के युवाओं को कुछ करना ये कुछ भी नहीं उनके पास सपना ही नहीं कोई भी आपकी नज़र में बसो कल्याण का पॉलिटिकल इन्वामेंट फ़िलहाल कैसा है क्या बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं जैसा अभी आप बता रहे थे कि तीन चीज़ों पर फिलहाल इलेक्शन हो रहा है कास्टिज़्म पर पैसे पर और करप्शन तो है ही तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फ़िलहाल बसो कल्याण का कैसा है क्या उसमें कुछ आप तब्दीली देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में देखिए इसमें क्या है पॉलिटिकली देख दो तब्दीली तो कुछ भी नहीं है अभी आ, बीजेपी जब से हुकूमत बीजेपी हुकूमत करती है हिंदुज़म हिंदु पे हिंदुज़म पे हुकूमत करती है लेकिन उनको लिए ले क्या कर रही है मेरा सवाल वो है आज तक हिंदू बच्चों के लिए क्या बनाए उनके ऊपर वो वोट लेते हर बात को आप बोलते हिंदू हिंदू बोलते लेकिन उनके लिए क्या काम किया ज़ीरो काम सिर्फ भाषण से नहीं होता जैसा कांग्रेस वाले जैसा माइनॉरिटी के लिए मुसलमानों के लिए सिर्फ बात करती है सत्तर साल में डेवलपमेंट करते बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किए उसी तरह बीजेपी वाले भी हिंदू का बात करते लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते इसलिए हमें जात पात से हम हमारा आम आदमी पार्टी का पॉलिसी है जात पर जात पात पर जो भी बात करते इससे हमारा ये नहीं है हम उनके ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलने वाले नहीं है हमारा ग्राउंड हेल्थ एजुकेशन और भ्रष्टाचार मुक्त इसके ऊपर हम खेलने वाले अंत में जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी मैं बसो कल्याण के युवा मतदारों को फिर पूरे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ भगत सिंह होने दो या फिर अहमदुल्ला खान रहने दो या फिर कोई भी बड़े बड़े आप देशभक्त को आप नाम सुनिए वो खुद के लिए नहीं करे थे देश के लिए अपना जान गंवा भगत सिंह तो तेईस के उम्र में और हमारे इनू भी उनका भी आफतुल्ल्ह खान का अशफाकल्ला खान का उनका भी उम्र छब्बीस का सत्ताईस था जो उन्नीस सौ पैंसठ में ये हुए थे उनके अलावा भी बहुत सारे लोग उस टाइम पे आज़ादी के इसमें कूदे थे और लड़े थे किसी का परवाह करते हुए देश के लिए उनको याद करके आपको वोट देना है बल्कि ना बल्कि कोई आपको पैसे दे रहा है हज़ार दो हज़ार दे रहा है या फिर आपको बिरयानी खिला रहा है या फिर आपको शराब दे रहा है आपको आप आपको गलत आदत डाल रहा है और देश को बर्बाद कर रहा है इनसे आप बचिए क्यों ये लोग आपको और आप आपको परिवार को पूरे लूटने वाले लोग हैं और एक बात माल मेला लास्ट में बताता हूँ एक सामान्य चोर अगर घर में आता है तो सिर्फ आपका जेवर आपका पैसा लेके जाता है एक पॉलिटिकल चोर अगर आया तो आपका ज़िंदगी और आपके बच्चों का ज़िंदगी का पूरा सत्यानाश करके जाता है तो ये वोट करते टाइम पे आप किसी को भी वोट दो हम अच्छा देखें तो मेरे को वोट दो अगर मेरे से अच्छा भी कोई है तो आप उनको वोट दो लेकिन ईमानदारी से अच्छी तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान लागू करने वाले हैं और उनके ऊपर शपथ करके अच्छे लोगों को और अच्छे पक पार्टी को अपने वोट देना शुरू किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देश दस साल में बदल सकता है जी हाँ तो अभी आप सुन रहे थे दीपक मलकर साहब को भ्रष्टाचार शिक्षा और सेहत ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पूरे कर्नाटक भर में आम आदमी पार्टी फ़िलहाल इलेक्शन लड़ने वाली है इसके अलावा एक और भी अच्छी बात दीपक मलगर साहब ने यह कही कि आपका वोट जो है वो पाँच सौ रुपये या फिर हजार रुपये से कई ज़्यादा कीमत रखता है जिसे आप किसी भी तरह बेचें ना वो आपका वोट आपके जो नेता हैं उनका चुनाव करने में इस्तेमाल करें तो अभी मैं दीपक मलगर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे वार्तालाप किया और अगर आपके कुछ और सवाल भी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि दीपक मलगर साहब उनका भी जवाब देंगे बिल्कुल बिल्कुल जी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल डेक एन डायजेस्ट और एफ गाइड के साथ